हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका डिजी क्लास चैनल में। कलकत्ता हाईकोर्ट की तरफ से बहुत ही ज़बरदस्त वैकेंसी आई हुई है ग्रुप डी की, जिनमें बहुत सारे पोस्ट एक्चुअली मैं दिखा रहा हूँ आपको। पूरा स्टेप बाय स्टेप हमारे वीडियो को लास्ट देखिए, ताकि आपको पूरी तरह से समझ में आ सके। देखिए दोस्तों, यहाँ पर दिखा रहा है हाईकोर्ट ऑफ कलकत्ता, ये जो कि निकाला है, ये डेट 28 तारीख को ये निकाला गया है, सितंबर को। ये देखिए दिखा रहा है कि ऑनलाइन एप्लीकेशन इन द प्रिस्क्राइब फॉर्मेट और इन्वाइटेड फॉर्म एलिजिबल कैंडिडेट, जो कि इंडिया से जो भी है सब भर सकते हैं। ये दिखा रहा है कि दी वैकेंसी ऑफ 221 पोस्ट, 221 पोस्ट पे ग्रुप डी का वैकेंसी निकाला गया है। क्या क्या नाम है पोस्ट का? फरास है, प्यून है, ऑर्डरली है, और बरकांड जो है, दरवान है, नाइट गार्ड है, क्लीनर है। ये सारा पोस्ट है, जिसमें कि 221 टोटल है पोस्ट, इसमें कि पूरा इंडिया के कोई भी स्टेट से भर सकते हैं। चलिए मैं दिखा रहा हूँ आपको स्टेप बाय स्टेप क्या क्या है, आगे कैसे भरना है, आपको क्या सैलरी है, क्या क्वालिफिकेशन है। देखिए आपको दिखा स्केल ऑफ पे, जो पे बैंड है दोस्तों, ये आपको 4900 से 16200 है, और इसके ग्रेड पे आपका 1700 रुपया है। बाकी जो भी अदर अलाउंस है आपको सब मिलेगा इसमें। पूरा जो गवर्नमेंट रूल है सबको आपको फॉलो किया जाएगा। ये आपको दिखा रहा है कि वैकेंसी जो है पूरा आपको अलग अलग बांटा गया है, कि अनरिजर्व के लिए कितना है, एससी के लिए कितना है, एसटी के लिए कितना है, ओबीसी के लिए कितना है, ये सारा आप देख लीजिएगा। मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पूरा पीडीएफ का लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप आसानी से पा सकते हैं। दिखा रहा, देखिए आप दिखा रहा है एज लिमिट, ये देख रहे हैं आप। एज लिमिट जो है मिनिमम होना चाहिए 18 वर्ष, उससे नीचे नहीं होना चाहिए, और मैक्सिमम होना चाहिए 40 साल। कब तक? 1 जनवरी 2018 से ये मान्य है। और अगर आप एससी और एसटी हैं वेस्ट बंगाल के, तो आपको 5 साल छूट मिलेगा। और आप अगर पर्सन विथ डिसेबिलिटी यानी आप पीएज हैं, तो आपको 45 साल तक आप ये भर सकते हैं। और अगर आप एक सर्विसमैन हैं, तो आपको गवर्नमेंट के रूल के हिसाब से आपको छूट मिलेगा। चलिए मैं दिखा रहा हूँ मेन मेन पॉइंट, इसमें बहुत सारे पॉइंट है, आप पढ़ लीजिएगा। जो आपको ज़रूरत की चीज़ें मैं आपको दिखा रहा हूँ फटाफट, क्योंकि सारा बताऊँगा तो बहुत देर हो जाएगा। देखिए दिखा रहा है यहाँ पर, द एस सी एस टी ओ बी सी कैंडिडेट ऑफ अदर स्टेट, यदि आप अदर स्टेट के हैं वेस्ट बंगाल के अलावे, शेल बी ट्रेटेड एज अनरिजर्व कैंडिडेट। यानी आप अगर वेस्ट बंगाल के अदर डिस्ट्रिक्ट से, अदर स्टेट से भरते हैं, तो आपको एस सी एस टी ओ बी सी है, तो आपको वहाँ का जो ओ बी सी का या एस सी एस टी का नहीं मिलेगा, आपको वो अनरिजर्व में रखा जाएगा। यानी आप आसानी से फॉर्म भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, भरिए अनरिजर्व में। देखिए आप दिखा रहा है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, मस्ट हैव पास्ट क्लास 8, यानी आपको क्लास 8 पास होना एकदम बिल्कुल जरूरी है, वरना आप नहीं भर सकते हैं। देखिए दिखा रहा है आपको, ग्रेजुएट कैंडिडेट्स आर नॉट बी एलिजिबल टू अप्लाई, यानी अगर आप ग्रेजुएट हैं तो आप इसे अप्लाई नहीं कर सकते हैं, सिर्फ ये 8वां पास के लिए है। देखिए दिखा रहा है दो नंबर पॉइंट में, मस्ट हैव नॉलेज ऑफ रीडिंग एंड राइटिंग बंगाली एंड इंग्लिश, आपको बंगाली और इंग्लिश मस्ट आना चाहिए, बिल्कुल ज़रूरी चीज़ है ये, नहीं तो आपको सिलेक्शन नहीं होगा। देखिए दिखा रहे एग्जामिनेशन फीस, अगर आप एससी और एसटी हैं वेस्ट बंगाल के अंदर आते हैं, तो आपको एग्जामिनेशन फी कितना लगेगा? 150 रुपये लगेगा, प्लस जो बैंक चार्ज है करते हैं ऑनलाइन, तो आपको लगेगा। और ऑल अदर कैटेगरीज, इसके अलावा जितने भी हैं सबके लिए आपको लगेगा 400 रुपया, प्लस बैंक चार्ज एक्स्ट्रा। नो फीस नीड्स टू बी पेड बाय द कैंडिडेट बिलोंग टू एक्सेम्प्टेड कैटेगरी या एक्सरे, यदि आप एक सर्विसमैन हैं तो आपको कोई फीस नहीं लगेगा। और फॉर पेमेंट ऑफ फी थ्रू डेबिट कार्ड, आप जो पेमेंट कीजिएगा ऑनलाइन डेबिट कार्ड के थ्रू कर सकते हैं किसी भी बैंक से। और अगर आप ऑनलाइन नहीं करना चाहते हैं, तो आप ऑफलाइन भी कर सकते हैं चालान के थ्रू। यानी आप जो कीजिएगा सब फॉर्म भरने के बाद, तो आपको आप अगर ऑनलाइन नहीं करना चाहते हैं तो ऑफलाइन में क्लिक कीजिए, और वहाँ पर आपको ऑफलाइन चालान जनरेट होगा, और वो लेके जब आप जाइए बैंक में। ये दिखा रहे, देखिए टेंडर इन एनी ब्रांच ऑफ यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, यानी आप यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया पर जाके आप कर सकते हैं, आपको जो एक्स्ट्रा 24 रुपीज़ लगेगा वहाँ से आप कर सकते हैं पेमेंट ऑफलाइन भी चालान के द्वारा। फीस वंस पेड विल नॉट बी रिफंडेड अंडर एनी सर्कमस्टांस, नहीं आप अगर एक बार फीस जमा कर देते हैं तो आपको वो वापस नहीं होगा। ठीक है, दिखा रहा हूँ आपको मोड ऑफ सिलेक्शन, ऑन सक्सेसफुल सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू अंडरगो ए कम्पिटेटिव रिटन एग्जामिनेशन, यदि आप सही से अपने फॉर्म को सबमिट कर देते हैं, तो आपको OMR बेस्ड जो है वो रिटन एग्जामिनेशन होगा। उसका सिलेबस क्या है, देखिए ये जो है रिटन एग्जामिनेशन 75 मिनट्स का होगा, जो कि आपको 75 मिनट टाइम दिया जाएगा, उसमें कि आपको एरिथमेटिक होगा यानी मैथ होगा, जीके होगा, जनरल इंटेलिजेंस होगा, और इंग्लिश होगा, ये चार भाग में होगा, और टोटल मार्क्स जो है वो
एक नंबर का होगा। देखिए देयर सेल भी टोटल 50 क्वेश्चन, यानी आपको 50 क्वेश्चन का एग्जाम होगा और हर क्वेश्चन जो है 2 मार्क्स का होगा, उसके हिसाब से आपको 100 नंबर का ये मार्क्स का एग्जाम होगा, ठीक है। देयर सेल भी नेगेटिव मार्किंग ऑफ 1 मार्क्स ऑफ इच रॉन्ग आंसर, यदि आप गलत आंसर देते हैं हर एक क्वेश्चन गलत के लिए आपको 1 मार्क्स कटेगा। अब द क्वेश्चन पेपर सेल भी अवेलेबल, आपको जो क्वेश्चन पेपर होगा वो इंग्लिश में होगा अवेलेबल, बंगाली में होगा, हिंदी में होगा और नेपाली में, ये आपको 4 भाषा में होगा। और देयर विल बी 4 सीरीज ऑफ क्वेश्चन बुकलेट, आपको जो क्वेश्चन बुकलेट होगा वो 4 सीरीज में होगा। कैंडिडेट सिलेक्टेड एंड शॉर्टलिस्टेड इन द रिटर्न टेस्ट, यानी आपको जो रिटर्न टेस्ट होगा उसके अनुसार ये आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, और उसके बाद आपको फर्दर अगर नेक्स्ट टेस्ट लेगा उसके लिए बुलाया जाएगा या फिर इंटरव्यू के लिए आपको बुलाया जाएगा। ये जो एग्जाम होगा आपको वो OMR शीट के ऊपर होगा और इसी के बेस पे आपको इसका कट ऑफ मार्क्स तैयार होगा। ये था सिलेबस और एग्जाम का डिटेल। देखिए दिखा रहा आपको डेट टाइम एंड वेन्यू ऑफ द एग्जामिनेशन, डेट टाइम एंड वेन्यू ऑफ द एग्जामिनेशन सेल बी इंटीमेटेड टू द कैंडिडेट्स थ्रू एडमिट कार्ड, यानी आपको एडमिट कार्ड के द्वारा पता चल जाएगा विच कैन बी डाउनलोड, जो कि आप डाउनलोड कर सकते हैं। विथ ओरिजिनल एडमिट कार्ड नो कैंडिडेट विल बी अलाउड इन द एग्जामिनेशन हॉल, यदि आपके पास ओरिजिनल एडमिट कार्ड नहीं होगा तो आपको एग्जामिनेशन हॉल में आने के लिए इजाजत नहीं होगा। ये दिखा रहा आपको कि ऑनलाइन जो एप्लीकेशन डालिएगा आप कैसे कैसे कर सकते हैं, इसको आप पढ़ लीजिएगा आराम से। यहाँ पर दिखा रहा है कि आप कोई भी अगर दिक्कत हो आपको हेल्प डेस्क में आप कॉलिंग कर सकते हैं, या ईमेल आईडी से आप कर सकते हैं मंडे टू सैटरडे बिटवीन 9 से 7 बजे शाम तक कहीं भी। देखिए यहाँ सारा नंबर वगैरह है आप यहाँ से पता कर सकते हैं। देखिए दिखा रहा है एडमिट कार्ड, नो एडमिट कार्ड विल बी सेंट बाय पोस्ट, या आपको जो एडमिट कार्ड है वो आपको पोस्ट के द्वारा सेंड नहीं किया जाएगा, आप वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। कैसे करना है कब करना है मैं आपको सब आगे बता रहा हूँ, तो हमारे वीडियो को देखते रहिए, मैं पूरा डिटेल बताने वाला हूँ आपको। बहुत सारे डिटेल हैं आप पढ़ लीजिएगा, इतना मैं बताऊँगा तो वीडियो लंबा हो जाएगा। देखिए दिखा रहा हूँ द कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू कीप, यानी आपको लेकर जाना है एग्जामिनेशन हॉल में क्या, एटलीस्ट 1 ओरिजिनल फोटो, यानी आपको एक जो ओरिजिनल फोटो है आइडेंटिटी प्रूफ के साथ क्या क्या ले जाना है, एग्जाम्पल दिखाए आधार कार्ड या आधार कार्ड, आईडी कार्ड इशूड बाय कॉलेज यूनिवर्सिटी या वोटर आईडी कार्ड, एपिक ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, पैन कार्ड, बैंक पासबुक, कॉपी विथ फोटोग्राफ, देयर ऑन ऑल सेल प्रोड्यूस द सेम ऑन डिमांड एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन इन द एग्जाम सेंटर, यानी आपको जो एग्जामिनेशन सेंटर में मांगा जाएगा आप ये सब दिखा सकते हैं, ये ले जाना बिल्कुल कोई भी एक चीज़ जरूरी है, अगर आप लेके नहीं जाते हैं तो आपको बहुत दिक्कत होगा। देखिए यहाँ पर दिखा रहा मोबाइल फोन, पेजर्स, फोटो डिवाइस, कैलकुलेटर एंड एनी अदर इलेक्ट्रॉनिक गैजेट कम्युनिकेशन डिवाइस आर नॉट अलाउड, इसे आप लेके नहीं जाना है, ये सबको आपको अपने से पढ़ लेना है और इसको फॉलो करना है। आपको कोई भी TADA आपको नहीं दिया जाएगा टेस्ट के लिए एग्जाम के लिए। चलिए आपको दिखा रहा हूँ मेन डेट कैसे हिसाब भरना। देखिए कमेंसमेंट ऑफ ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन बाय द कैंडिडेट, आपको ये जो ये है एग्जामिनेशन का जो ऑनलाइन जो प्रक्रिया वो चालू हो चुका है, ये 28 सितंबर से आपको चालू हो चुका है, आप भरिए। और क्लोजिंग ऑफ ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन, आपको जो ऑनलाइन एप्लीकेशन का जो क्लोजिंग डेट है वो 29 अक्टूबर तक आप रात के 12 बजे तक भर सकते हैं। लास्ट डेट फॉर पेमेंट ऑफ फी थ्रू ऑफलाइन, आप ऑफलाइन जो पेमेंट कीजिएगा वो 27 अक्टूबर तक इसे आप भर सकते हैं विद इन बैंकिंग आवर्स, जो भी बैंक आवर्स है उसके द्वारा भर सकते हैं, यदि आप नहीं तो आप इसे ऑनलाइन भी आप पेमेंट कर सकते हैं। कमेंसमेंट ऑफ डाउनलोडिंग एडमिट कार्ड, आप जो है 10 नवंबर यानी 10/11 को आप से आपको जो है एडमिट कार्ड डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा, आप डाउनलोड कर सकते हैं अपना एडमिट कार्ड। लास्ट डेट फॉर डाउनलोडिंग एडमिट कार्ड, लास्ट डेट कब है, ये 25 नवंबर तक आप डाउनलोड कर सकते हैं, उसके बाद आपको ये लिंक जो वहाँ से गायब हो जाएगा। टेंटेटिव डेट ऑफ द OMR बेस्ट रिटर्न, आपको जो एग्जाम को जो डेट का जो दिया गया है वो 25 नवंबर से शुरू हो सकता है, आपको एडमिट कार्ड में मिल जाएगा। टेंटेटिव डेट ऑफ द पब्लिकेशन ऑफ कैटेगरी वाइज मेरिट लिस्ट, आपको जो एग्जाम के बाद जो मेरिट लिस्ट निकाला जाएगा कैटेगरी वाइज वो 10 दिसंबर इन 10/12 को आपको दे सकता है, उसके बाद कहीं भी ये आ सकता है। ये रहा आपका इंस्ट्रक्शन फॉर फिलिंग ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, कैसे भरना है आपको यहाँ से आप पढ़ लीजिएगा कैसे कैसे भरना है। आप तो ऑनलाइन फॉर्म हम सब भरते ही हैं, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, कोई दिक्कत हो तो हमें आप कमेंट कीजिए, मैं उसका जवाब देने का कोशिश करूँगा। ये था पूरा डिटेल्स, दोस्तों
दोस्तों अगर आपको कोई भी दिक्कत हो तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं उसका जवाब देने के लिए कोशिश करूंगा। दोस्तों को शेयर कीजिए, अच्छा लगे तो लाइक बटन को जरूर दबा दीजिए। ये रहा देखिए, ये आपका वेबसाइट है, मैं इसका लिंक अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, और ये PDF इसको भी मैं डाल दूंगा, आप दोनों को मेरा वीडियो के डिस्क्रिप्शन से पा सकते हैं। देखिए यहाँ पर जो वेबसाइट है, यहाँ पर दिया गया है रजिस्ट्रेशन फॉर न्यू ईयर, यहाँ से आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, और आप रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं यहाँ से आप आगे अप्लाई कर सकते हैं। और फिर भी कोई दिक्कत हो तो यहाँ देखिए बाएं तरफ दिया गया है ईमेल आईडी, कोडेड नंबर देखिए दिखा रहा, फॉर पेमेंट रिलेटेड क्वेश्चन क्वेरीज, आप कोई भी पेमेंट से अगर कोई दिक्कत हो तो आप यहाँ पे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। यहाँ देखिए दिया गया है सारा, कब से कब कर सकते हैं, टाइमिंग सब दिया गया है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको कोई दिक्कत नहीं हो, फिर भी कोई दिक्कत हो हमें आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिए, और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए इसी तरह की वीडियो को सबसे पहले पाने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।